कार्रवाई को अंजाम दिया है। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर है, नकली घी की फैक्ट्री है जहां पर पुलिस ने कार्रवाई की है। अनंतपुरा पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस फैक्ट्री में नकली घी बनाई जा रही थी और शिकायत मिली, जांच की गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जी राजस्थान पर देख सकते हैं। ये फैक्ट्री है, नकली घी यहां पर बनाया जाता था और यहां पर कार्रवाई पुलिस ने की है। अनंतपुरा पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये बड़े बड़े टिन कर्टन ये सब नकली घी से भरे हुए जिसे सप्लाई किया जाता। ये नकली घी की फैक्ट्री जहां पर अनंतपुरा पुलिस ने कार्रवाई की और अब इसे जब्त किया जा रहा है। कार्रवाई यहां पर जारी है। अनंतपुरा पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिला स्थान पर। सबसे पहले ये नकली घी की फैक्ट्री है जहां पर नकली घी बनाया जाता था और मार्केट पर सप्लाई किया जाता था, जिसकी शिकायत पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने पूरी टीम के साथ यहां पर दबिश दी, कार्रवाई की गई और अभी भी ये कार्रवाई जारी है। बहुत बड़ी फैक्ट्री पकड़ी है। सबसे पहले जिला स्थान पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से मार्केट में ये नकली घी का कारोबार फल फूल रहा था और फैल रहा था। पुलिस को शिकायत मिली, आप देख सकते हैं। और ये सब जब्त किया जा रहा है। 400 से ज्यादा नकली घी के कार्टन यहां से बरामद किए गए हैं और कई ब्रांड के डिब्बों में घी सप्लाई किया जा रहा था। हाड़ौती के बाजारों में ये घी भेजा जा रहा था। कोटा में सेहत बिगाड़ने वाला घी तैयार हो रहा था और घी की फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की है कोटा पुलिस ने। देख सकते हैं आप, ये वो कार्टून जो कि नकली घी से भरे हुए हैं। 400 से ज्यादा कार्टून बरामद किए गए हैं नकली घी की फैक्ट्री पर कार्रवाई करते हुए। ये वो फैक्ट्री जो अनंतपुरा इलाके में चल रही थी और अनंतपुरा थाना पुलिस कोटा शहर के एसपी अंशुमन भूमिया के निर्देश पर एक स्पेशल टीम का गठन किया गया, जिसके बाद में ये पूरी जो बड़ी कार्रवाई है उसे अंजाम दिया गया। ये तमाम वो मशीनें जिनके जरिए रैपर थे, जिनको पैक किया जाता था, ब्रांडेड कंपनी के जो घी के जो डब्बे होते थे उनके अंदर जो ये नकली घी है उसको भरा जाता था। ये देख सकते हैं आप कि ये छोटे छोटे डब्बे जिनकी सप्लाई कोटा ही नहीं बल्कि जो आसपास का पूरा इलाका है वहां पर की जाती थी। ये तमाम मशीनें जिनको मैं दिखाना चाहूंगा कि जिनके जरिए जो इस घी की पैकिंग यहां पर की जा रही थी। बड़ा कारोबार चल रहा था, बड़ा गोरखधंधा चल रहा था और मिलावटी घी जो पूरी तरह से आपकी सेहत को बिगाड़ने का काम करेगा वो यहां पर तैयार किया जा रहा था। लंबे समय से यहां पर इस पूरे घी को तैयार किया जा रहा था और जिसकी सप्लाई पूरे बाजार में की जा रही थी। यहां पर मेरे साथ में पुलिस अधिकारी मौजूद है। सर, किस तरह का इनपुट मिला था जिसके बाद में इस पूरी जो बड़ी कार्रवाई है उसे यहां पर आपने अंजाम दिया और यहां पर जब कार्रवाई की तो क्या क्या पाया? ऐश और पूजा जो घी वनस्पति घी का जो बनाते हैं उसका जो ट्रेडमार्क जो लिया हुआ जिस आगरा की कंपनी ने, उसके द्वारा कंप्लेंट की गई थी कि हमारे नाम को ट्रेड नेम को दूसरे के द्वारा यूज करके इसी तरह से एक घी बनाया जा रहा है, जिसकी सूचना पर यहां आकर दबिश दी गई और देखा गया तो काफी मात्रा में यहां पे मशीनें लगी हुई है और इनके द्वारा जो तैयार किया गया उसको विधिवत तरीके से कानूनी कार्रवाई की। लगभग 400 के आसपास कार्टून है, अभी कार्रवाई चल रही है। किस तरह का ये घी है सर? ये जो मिक्स किया हुआ है, जो अपमिश्रित किया हुआ है, जो अपमिश्रण जो करके बनाते हैं उस तरह का घी। गोरखधंधे को कर रहे थे जो संचालक थे उनके खिलाफ? वो निश्चित रूप से नियमानुसार जो विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। और कहाँ कहाँ सप्लाई चल रही थी, कब से सर ये फैक्ट्री चल रही है? ये पूछताछ की जाएगी अभी कि ये कब से कर रहे हैं, इनका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, किस तरह से ये बना के कर रहे हैं और कहाँ कहाँ सप्लाई कर रहे हैं इसके संबंध में अनुसंधान किया जाएगा। थैंक यू सर। तो कई पहलू हैं जिन पर जांच की जाएगी, पड़ताल की जाएगी, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई है जिसे कोटा पुलिस ने अंजाम दिया है, स्पेशल टीम ने अंजाम दिया है। मैं यहां पर दिखाना चाहूंगा कि ये वो ब्रांडेड डब्बे जो ये ब्रांडेड पीपे हैं, इस तरह से अलग अलग ब्रांड के जो रैपर हैं वो यहां पर बड़ी तादाद में मिले हैं। रैपर के साथ में ये उनके ढक्कन और ये देख सकते हैं पारस, कृष्णा, अलग अलग इस तरह के जो ब्रांड हैं उस तरह के ये जो पीपे हैं वो तैयार किए जाते थे और उनके अंदर ये जो घी है वो भरा जाता था।
ये पूरा वो घी है जो पूरी तरह से नकली कहा जा सकता है, पूरी तरह से सेहत को बिगाड़ने वाला कहा जा सकता है और इसका कारोबार यहां पर बड़े पैमाने पर चल रहा था। अब जो पुलिस अधिकारियों ने बताया उसके हिसाब से जो संचालक हैं इस गोरख धंधे को जो कर रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और पूरा जो पड़ताल है वो की जा रही है कि आखिर ये फैक्ट्री कब से चल रही थी, कहां कहां तक इस नकली घी के कारोबार का जो नेटवर्क है वो फैला।